खैर रॉ थी ना आज, हाँ उसी के बारे में आज रिव्यू करने वाले। वैसे रॉ के अंदर आज हमें जो है बॉबी लैशली ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिला था कि यार एक सिक्स मैन टैग टीम मैच तो, और भाई सरप्राइज लैशली ने अपने पिन कर, लैशली ने भी बल्कि हमारे ड्रू मैकइंटायर ने पिन कर दिया है लैशली को हेल सेल से पहले। और इसके बाद में बात करेंगे कि भाई क्या था पूरा रॉ के अंदर मेन इवेंट वाला सिनेरियो। और एलेक्सा ब्लिस ने भी आज अपना जो है मतलब एक मैच रेसल किया अगेंस्ट यहाँ पर से नया जैक्स, क्या इसके अंदर कहानी ये भी बात करेंगे। और भाई आज ईवा मरी का डेब्यू भी शो पर था रॉ का रिव्यू करने वाले, तो खैर वीडियो क्लास तक देखना गाइस। रॉ की चुनाव हमको देखने मिलती है इस बार एलेक्सा ब्लिस के प्ले राउंड के द्वारा, जहाँ पर वो कहती थी पिछले हफ्ते मैंने शेना बेजलर को अच्छे टेंशन से बुलाया था पर वो खैर ये थिंग्स वैसे हो नहीं पाई। बट खैर वो कहती थी यहाँ पर से नया जैक्स आ जीती है, नया जैक्स कहती थी भाई हम दोनों तो भाई बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे कभी यार, बट ये तुम अब क्या कर रहे हो। तो खैर एलेक्सा ब्लिस कहती भाई हम कब दोस्त बने थे। और भाई जहाँ पर से वो क्या कहती थी बातों बातों में यहाँ पर से मैच के लिए यहाँ पर से चुनौती हो जाती है। और वही एलेक्सा ब्लिस वर्सेस नया जैक्स के लिए मैच हमको देखने को मिलने वाला था आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर। बट स्टार्टिंग के नाम को मैच देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस निकी क्रॉस के बीच। मैच चल रहा होता है, मैच के अंदर पहले भाई रिया रिप्ली आ जाती है डिस्ट्रक्शन के लिए शार्लेट फ्लेयर के लिए। स्टिल मैच चल रहता है, रिया रिप्ली यहाँ पर से जो है रिंग साइड पर बैठी होती है। मैच चल रहा होता है भाई शार्लेट फ्लेयर को तो भाई उनका जो रिवेंज लेना था क्योंकि भाई वो जिस हमेशा उनको हरा देती है क्रॉस, तो वही यहाँ पर से क्या होता है कि भाई रिंग साइड पर जो है यहाँ पर से रिया रिप्ली एंड शार्लेट की कन्फ्रंटेशन होती है। इसका फायदा उठा देती है निकी क्रॉस काउंट आउट के जरिए, फिर एक बार निकी क्रॉस जी जाती है। बट स्टिल शार्लेट फ्लेयर फिर से एक बार बिग बूट मारती है, मान लेती है कि फिर से एक बार रिप टाइड लगा देती है रिया रिप्ली। और वही यहाँ पर से वो अपना जो है यहाँ पर से रिवेंज हमको लेती हुई दिखाई देती है और भाई रिप टाइड लगा देती है और भाई यहाँ पर ये हो जाता है खत्म। वेल इसके नेक्स्ट बाद हमको देखने मिलता है जैक हार्डी वर्सेस जॉन मॉरिसन का मैच, जैक हार्डी का मैच। और भाई इस पूरे मैच के अंदर हमें जो है जॉन मॉरिसन एंड जैक हार्डी देखने को मिले थे। मैच स्टिल इतना भी कुछ खास हुआ नहीं बट स्टिल मैच के अंदर भाई क्या एंगल होता है कि भाई जो जैक हार्डी है वो आज हार जाते, जैक हार्डी हार जाते जिनको WWE स्ट्रॉन्ग बुक कर रही थी। बट स्टिल यहाँ पर से जो जॉन मॉरिसन है उन्होंने आज हरा दिया। बट इसके बाद सैड्रिक अलेक्जेंडर आ जाते हैं, सैड्रिक अलेक्जेंडर भी कहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हें तुम्हारा आइडल मेरा आइडल मानता था, बट स्टिल ऐसे को तुम्हें आइडल मानता नहीं। बट स्टिल आज यहाँ पर से हमारे बीच फिर एक बार मैच होगा और मैच यहाँ पर से हो जाता है ऑफिशियल। नेक्स्ट इसके बाद कमर्शियल आने के बाद मैच स्टार्ट होता है और भाई यहाँ पर से सैड्रिक अलेक्जेंडर फिर से दोबारा फेस करते हैं जैक हार्डी को। स्टिल मैच के अंदर में ऐसा लग रहा था कि भाई क्या जैक हार्डी फिर हार जाएंगे, बट स्टिल ऐसा नहीं होता। जैक हार्डी ने स्वांटन बॉम्ब लगा दिया यहाँ पर से एंड विक्ट्री हासिल कर दी। बट इसके बाद नेक्स्ट देखने को मिलता है शो थिएटर ईवा मरी का डेब्यू, जो कि यहाँ पर से जो है NXT UK की सुपरस्टार को लेती हुई दिखाई देती है। स्टिल नहीं होने के साथ उनका मैच होना था पर स्टिल यहाँ पर से जो है मैच होता है, ईवा मरी तो रेसल करती नहीं है। मैच स्टार्ट होता है, मैच के अंदर जो है पहली करके उनका कुछ नाम होता है, वो मैच के अंदर जीत जाती है। बट स्टिल उनका नाम यहाँ पर जो है लेते नहीं है रेफरी, मतलब जो अनाउंसर होता है। बट स्टिल यहाँ पर से ईवा मरी कहती है कि भाई जो विनर है मैच की वो तो है ईवा मरी। तो भाई देख लेते हैं वियर्ड सी ऐसी कुछ चीज़ें ईवा मरी के साथ हो गई है रॉ के ऊपर। बट खैर जो एक विक्ट्री थी वो यहाँ पर हासिल हो चुकी है। बट स्टिल देख लेते हैं ईवा मरी के नेक्स्ट क्या WWE के अंदर स्टोर लाइन बुक होती है। बट खैर इससे मैं थोड़ा जो है डिसअपॉइंट हूँ। नेक्स्ट थिंग हमको देखने मिलता है कि इंटरेस्टिंग मैच जो कि मुझे काफ़ी देखकर खुश हुआ वो था आरके ब्रोज वर्सेस रैंडी और आरके ब्रोज वर्सेस न्यू डे के बीच एक सिंगल स्टैग टीम एक्शन, जो कि पूरे शो को अच्छा कैरी कर रहा था। और भाई ये काफी अच्छा एंटरटेनिंग मैच था और भाई यहाँ पर से पूरे मैच के अंदर दोनों अच्छी टीम कर रहे थे। मैच के एंडिंग के अंदर हमें एंगल ये नहीं मिलता है कि भाई जो एंडिंग के अंदर रैंडी ऑर्टन है वो आरके लगा देते हैं जेवियर ब्रोज को और उसके बाद हो जाता है काउंट थ्री और भाई आरके ब्रोज ने इस मैच के अंदर हरा दिया है न्यू डे को। और भाई काफी अच्छी मैच मुझे लगी और भाई यहाँ पर से जो विक्ट्री है वो आरके ब्रोज को मिली है। बस स्टिल है रैंडी ऑर्टन की पूछ करते हैं रिडल को लगता है कि भाई रैंडी ऑर्टन भी पूछ करेंगे। बस स्टिल रैंडी ऑर्टन वहाँ पर से निकल जाते हैं। बट इसके बाद नेक्स्ट देखने को मिलता है हमें फिर से एक बार मैच जो कि देखने को मिलता है आज रिया रिप्ली का मैच, जो कि हमें फेस करते हुए दिखाई देती है अगेंस्ट आस्का को। रिया रिप्ली को भी उनका रिवेंज चाहिए क्योंकि आस्का एंड निकी क्रॉस ने उनको पिछले हफ्ते हराया था, तो स्टिल उसका भी रिवेंज वगैरह जो है रिया रिप्ली को भी चाहिए था। स्टिल मैच तो होता है मैच के अंदर, ये मैच वैसे जो है काफी एंटरटेनिंग भी था, ये भी आज मुझे जो शो पर एक अच्छी चीज लगी। बट स्टिल मैच की मैं बात करूँ तो मैच के अंदर हमें ये एंगल देखने को मिलता है कि जो एंडिंग के अंदर रिया रिप्ली उन्होंने रिप टायर लगा दिया, मैच के अंदर जीत हो जाती है। उसके बाद भी जो शार्लेट फ्लेयर आ जाती है, दोनों के ऊपर एक ब्रॉल होती है। ब्रॉल होने के बाद जो शार्लेट फ्लेयर के नाक से खून निकलने लगता है, उसके बाद हमको देखते क्या देखने को मिलता है कि भाई जो यहाँ पर से रेफरी वगैरह ऑफिशियल उनको निकालते हैं और भाई यहाँ पर से शार्लेट फ्लेयर जो है रिंग से हमें लीव करते हुए दिखाई देती है।
थियरी अभी इंटरेस्टिंग आज वापस सेगमेंट था, बट स्टिल नेक्स्ट चीज हमको देखने मिलती है अलेक्सा ब्लिस का मैच, जो कि अलेक्सा ब्लिस हमको अलेक्सा ब्लिस हमको आज फेस करते हुए दिखाई देती है नैव एक्स को और रीजनल रिंग साइड पर होते। स्टिल शायना मिलर रॉ पर आज जो है नहीं थी, पर गाइस मैच की बात करूं तो मैच के अंदर जो है नैव एक्स इधर उधर फेंक रही है, पर गाइस मैच के अंदर जो अलेक्सा ब्लिस अच्छी तरीके से मैच को जो है मोनिटो ब्लिस लगा देती, पर स्टिल रीजनल आ जाते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है और भाई रीजनल को जो है यहाँ पर हिप्नोटाइज कर देती है अलेक्सा ब्लिस और भाई अपने शैल के ऊपर उनको नचाती है और भाई इसके बाद जो है वो यहाँ पर से निकलती हुई दिखाई देती है। बट इसके बाद हमको जो नेक्स्ट शो पर देखने को मिलता है वो गाइस देखने को मिलता है मैच जो कि होता है लायस वर्सेस जैक्सन राइकर के बीच एक मैच, अलेक्स एंड जैक्सन राइकर का मैच भाई। अलेक्स तो भाई फटी पड़ी अलेक्स की भाई, अलेक्स को लगता है भाई मुझे तो एक तोड़ फोड़ देगा, अलेक्स भाई खिसक लेते हैं काउंट आउट हो जाता है, जैक्सन राइकर जी जाते हैं। बस स्टिल भाई अलेक्स को फाइट भी करनी चाहिए भाई, अलेक्स भी एक अच्छा रेसलर है, बट स्टिल जो भी है भाई खैर कुछ कह नहीं सकते। बट मेन इवेंट के अंदर आता है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस एजी स्टार्स के बीच मैच, जो कि हमको देखने को मिलता है और गाइस इस मैच के अंदर हमें एंगल देखने को मिलता है कि जो बॉबी लैशली वो यहाँ पर जो है एंड एमवीपी वीआईपी लाउंज लगाकर बैठे हुए मैच स्टार्ट होता है, ओमोस इनसाइड पर होते हैं, मैच अच्छा होता है, मैच के अंदर हमें एंगल देखने को मिलता है कि भाई मैच स्टार्ट हो गया, यहाँ पर से जो है दो सुपर स्टार है, मतलब यहाँ पर से जो है ओमोस यहाँ पर से मदद करने की कोशिश करते हैं स्टार्स की बात, तो हम देखते हैं कि भाई जो यहाँ पर से जो रॉकेट एक्टिंग चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी जीते हैं वाइकिंग रेडर्स वो यहाँ पर सेव करने के लिए आ जाते हैं हमारे मैकइंटायर को। स्टिल मैच कंटिन्यू रहता है, बट मैच के अंदर जो है ड्रू मैकइंटायर जो है बॉबी लैशली को फेंक देते हैं रिंग साइड, जिसके अंदर भाई बॉबी लैशली को आ जाता है गुस्सा, बॉबी लैशली क्या करते हैं भाई अटैक कर देते हैं रिंग के अंदर, स्टिल जो है यहाँ पर से जो वाइकिंग रेडर्स है वो मैकइंटायर किस तरह से बचा लेते हैं। बट स्टिल इसके बाद भाई हर डब्ल्यूडब्ल्यू का भाई सेम थिंग होती है कि भाई वो जो क्या करते हैं कि भाई जो रॉ के अंदर है उनको यहाँ पर से मतलब मैच कर देते हैं भाई सिक्स मैन टैग टीम मैच, जो कि हमको देखने को मिलता है शो के ऊपर। मैच के अंदर हमें एंगल देखने को मिलता है कि मैच चल होता है, मैच के अंदर एक अच्छा स्पॉट था जब ड्रू मैकइंटायर एंड ओमस एक साइड जो है फेस ऑफ करते हैं, वो काफी अच्छा स्पॉट लगा, पर खैर मैच के एंडिंग की बात करें तो स्टार्स निकलता है, बट स्टार्स जो है टैग दे देता है बॉबी लैशली को, ऑब्वियसली जो है कहते हैं कि भाई मुझे क्यों टैग दे तूने, पर इसका क्या होता है कि भाई फायदा उठा लेते हैं ड्रू मैकइंटायर और भाई ड्रू मैकइंटायर भी क्लेमोर किक लगा देते हैं यहाँ पर से बॉबी लैशली को, और गाइस इस मैच के अंदर बॉबी लैशली ने पिन कर दिया है ड्रू मैकइंटायर को, गलत कह गया भाई, ड्रू मैकइंटायर ने आज पिन कर दिया है बॉबी लैशली को, और भाई यहाँ पर से ये हमें चीज देखने मिलती है। उसके बाद जो है भाई एमवीपी का तो भाई चेहरा देखने लायक बन गया था, और भाई यहाँ पर से जो है एक विक्ट्री हासिल किया, और भाई इससे क्या हम हेल इन अ सेल का रिजल्ट भी जान चुके कि भाई कौन जीतने वाला है। वैसे खैर आपको ये आज की रॉ कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, वैसे कहते आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल कौन ताकि हमारे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बस ये थी आज की हमारी वीडियो, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।